लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शिवा ही दीनदयाल का कातिल है। लिहाजा अदालत ताजरात हिंद दफा 302 के तहत शिवा को सजाए मौत देती है। नहीं जलसा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। आपने सिर्फ कलम की नींव नहीं तोड़ी, सच्चाई और इंसाफ की भी कटहल तोड़ी है। मैंने किसी का खून नहीं किया जलसा, मैंने किसी का खून नहीं किया जलसा, मैंने किसी का खून नहीं किया। फांसी वाला है क्या? हाँ। शक्ल से तो खून बिल्कुल नहीं लगता। हाँ ये सच है, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, भगवान की कसम मैंने किसी का खून नहीं किया। सुना बेटे, तू अनाज बेचने शहर जा रहा है? हाँ बापू। लेकिन बेटे हम जमींदार के कर्जदार हैं। हाँ हम कर्जदार हैं बापू, हमने उनसे रुपए लिए हैं तो रुपए के बदले में रुपए देंगे, अनाज क्यों देंगे? वो हमारे 10 रुपए के अनाज का 1 रुपए का भाव लगाता है। हाँ बेटे ठीक है, लेकिन ये रीत तो बरसों से चली आई है जिसे हमें मानना पड़ता है। बापू अगर इसी तरह हम इस रीत को मानते रहे तो राधा की आंखों का इलाज कैसे होगा, मुन्ने की पढ़ाई कैसे होगी? लेकिन बेटे तेरी इन बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है, ठाकुर बड़ा नाराज होगा, वो बहुत खतरनाक आदमी है बेटे। हम तो वैसे भी मर रहे हैं बापू, एक बार जीने की कोशिश करके तो देखें। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते साला चोर, जब खिसकते खिसकते पकड़े गए तो नमस्ते। अरे तुम होशियारी से जितना रिलेशन जोड़ना चाहो जोड़ लो, ये लाला सब समझता है। ठाकुर साहब ये बागी हो गया बागी। नहीं ठाकुर साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी फसल शहर ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। आज तक किस गांव से मुट्ठी भर अनाज भी शहर नहीं गया और तू अपनी पूरी फसल का रिलेशन वहां जोड़ना चाहता है? और जब पकड़ा गया तो नमस्ते। भूल गया इस गांव का इतिहास, यहाँ पे जो भी फसल बेची जाती है ठाकुर साहब को बेची जाती है। आप तो जानते हैं ठाकुर साहब, हमारी ज्यादातर जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है अगर उसकी फसल भी आपके पास बेच दूं तो मैं अपनी अंधी बहन की आंखों का इलाज कैसे कराऊंगा ठाकुर साहब? और आप भी हमें फसल की कीमत बहुत कम देते हैं ठाकुर साहब। ये तो आपका ऑपरेशन करके आपका रिलेशन बुराई के साथ डायरेक्ट जोड़ रहा है। मुझे तो माँ के पेट से ही बुराई सुनने की आदत है। आगे बोलो। बस ठाकुर साहब मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे शहर जाने दें। ठाकुर साहब ऐसा मत करना ठाकुर साहब,
इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। अगर एक को जाने दिया ना तो सारा गांव चिंटियों की तरह लाइन बनाकर अपनी अपनी फसल लेकर शहर को चला जाएगा। तो इसमें बुरा ही क्या है लाला, किसानों को अपने पसीने का जायज हक तो मिलना ही चाहिए। जायज? इस शब्द से मेरी मुलाकात बचपन से आज तक नहीं हुई। मैं ठाकुर सुजान सिंह की जायज बीवी का बेटा नहीं, बल्कि मैं उनकी नाजायज औलाद हूं। और जो शुरू से नाजायज हूं उससे जायज हक की बात नहीं करते। उठा लो इसका नाच। अबे ओ ठाकुर, जिन लोगों के खून पसीने से तेरी हवेली में रौनक है, उन्हीं पर जुल्म की इंतहा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे डाक्या बाबू, हमार चिट्ठी है का? अरे नहीं काका, आज नहीं आई, आएगी तो दे जाऊंगा। राधा, राधा, ओहो राधा, मैं जब भी इस गांव में चिट्ठियां बांटने आता हूं, मेरी साइकिल की घंटी सुनकर तू हमेशा मेरे पीछे दौड़ती है और किसी ना किसी चीज से टकराकर गिर पड़ती है, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। और आज तो ये खून। इसकी चिंता मत कीजिए, अंधी हो ना, गिरने की तो अब आदत सी पड़ चुकी है। मैं जानती हूं आज भी मेरे भैया की कोई चिट्ठी नहीं आई होगी, लेकिन तुम्हारी साइकिल की घंटी हर बार मेरी उम्मीद को जिंदा कर देती है। राधा, आज के बाद मैं अपनी साइकिल की घंटी इस गांव में उसी दिन बजाऊंगा जिस दिन तेरा भाई लौट कर वापस आएगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। देवी मां, जिस दिन मेरे पति लौट कर आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी और दूध में अपने बालों को डुबोकर उनसे तेरे फर्श को धोऊंगी। बस मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे मां, मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे।